हेलो अपकमिंग टीचर्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द टीचिंग क्लासेस। लेट्स लर्न हाउ टू टीच। और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कोरिलेशन। अब देख लेते हैं इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे आज। कोरिलेशन, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, जीरो कोरिलेशन एंड यूजेस ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन इज अ मेजरमेंट ऑफ रिलेशनशिप। ये मेजरमेंट करता है किसी भी रिलेशनशिप को। गलत उसमें मत जाइएगा, ये रिलेशनशिप वो नहीं है। ये थोड़ा सा स्टडी से रिलेटेड है कि कोई भी दो वैल्यूज का रिलेशनशिप क्या होता है। इट इज अ स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर दैट हेल्प अस टू एग्जामिन द रिलेशनशिप ऑफ वन वेरिएबल विद अनदर। ये स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर है जो कि एग्जामिन करता है, जो कि बताता है कि रिलेशनशिप एक वैल्यू का दूसरे वैल्यू के साथ क्या है। व्हेन द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ वन वेरिएबल करस्पोंडेंट टू द इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ अनदर। अगर एक वेरिएबल बढ़ता है या घटता है, कम या ज्यादा होता है, तो उसका दूसरे वेरिएबल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो कम होगा या ज्यादा होगा। द टू वेरिएबल्स आर सेड टू बी कोरिलेटेड। इन दो वेरिएबल्स को, जो जिनको भी हम एग्जामिन कर रहे हैं, इन दो वेरिएबल्स को कोरिलेटेड कहते हैं। कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन, द कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन इज अ सिंगल नंबर दैट टेल अस टू व्हाट एग्जामिन टू थिंग्स आर रिलेटेड। कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन जो है एक नंबर है जो कि ये बताता है कि कोई भी दो वेरिएबल वो किस हद तक एक दूसरे से रिलेटेड है। टू व्हाट एक्सटेंट वेरिएशन इन वन गो विद द वेरिएशन इन अनदर, वो डिपेंड, ये बताता है कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर किस हद तक इफेक्ट पड़ रहा है। तो आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। थ्री टाइप्स हैं कोरिलेशन के, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, जीरो कोरिलेशन। तो देखते हैं हम अपना पहला पॉइंट, पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन इज द कोरिलेशन इन विच पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स हैपन। पॉजिटिव कोरिलेशन वो कोरिलेशन है जिसमें दो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। जैसे कि कोई भी वैल्यू अगर अप जा रही है तो दूसरे एक की मतलब एक वेरिएबल जो है वो अपसाइड जा रहा है तो दूसरा भी अपसाइड ही जाएगा। अगर एक वेरिएबल डाउनसाइड जा रहा है तो दूसरा भी डाउनसाइड ही जाएगा। इन पॉजिटिव कोरिलेशन द मूवमेंट ऑफ वेरिएबल्स आर पॉजिटिवली लिंक्ड, व्हिच मीन इफ वन वेरिएबल गोज अप द अदर वेरिएबल्स ऑल्सो गोज अप एंड इफ वन वेरिएबल गोज डाउन देन द अदर वेरिएबल ऑल्सो गोज डाउन। सेम यही है जो मैंने अभी बताया कि एक वेरिएबल अगर अपसाइड जा रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी अपसाइड जाएगा, और अगर एक वेरिएबल डाउनसाइड जा रहा है तो दूसरा भी डाउनसाइड ही जाएगा। इसको हम पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इससे रिलेटेड कि ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। अंडर सेम प्रेशर इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ गैस कॉजेज इंक्रीज इट्स वॉल्यूम एंड डिक्रीज इन इट्स टेम्परेचर कॉजेज डिक्रीज इन इट्स वॉल्यूम इज द पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स ऑफ गैस टू वेरिएबल ऑफ गैस टेम्परेचर और वॉल्यूम। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं गैस का टेम्परेचर और वॉल्यूम के हिसाब से। अगर गैस का हम प्रेशर जो है, मतलब गैस को हम सिलेंडर में भर रहे हैं, आप सब लोगों ने, सबके घर में चूल्हा यूज होता ही होगा, सिलेंडर यूज होता ही होगा, तो उसमें आप देखेंगे कि अगर ये गर्मियों का टाइम है तो उसमें गैस जो है एक लिमिटेड क्वांटिटी तक ही आती है एक सेम प्रेशर पे। अगर सेम उसी प्रेशर पे हम सर्दियों में भरें तो उसमें ज्यादा गैस आ जाएगी एज कम्पेयर टू गर्मी, क्योंकि गर्मी में टेम्परेचर ज्यादा होता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है गैस का। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसमें, लेकिन आप लोगों की शायद ये उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा। एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ मैं इससे रिलेटेड। जैसे कि बहुत से लोग आज की डेट में सीएनजी वाली गाड़ियां यूज करते हैं, मोस्टली सीएनजी भरवाने भी जाते होंगे, तो गर्मियों में आप कभी भी देखिएगा सीएनजी जब भरवाते हैं तो सीएनजी कम फिल होती है। सिलेंडर सेम है, प्रेशर सेम है, उसके बावजूद भी चेंजेस होते हैं। वो इस वजह से होते हैं कि गर्मियों में टेम्परेचर हाई होता है जिसकी वजह से गैस का वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो जो सिलेंडर हमारा है उस सिलेंडर में कम गैस आ जाती है वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से, और सर्दियों में वही टेम्परेचर कम हो जाता है तो वॉल्यूम जो है उसका कम हो जाता है तो उसमें गैस ज्यादा आती है। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पॉजिटिव कोरिलेशन का। नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स सच दैट दे आर पार्ट ऑफ फंक्शन इन विच डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल मूव्स इन डिफरेंट डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज।
नेगेटिव कोरिलेशन में ये होता है कि कोई भी एक वेरिएबल अगर पॉजिटिव, अगर अपसाइड जा रहा है या इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल हमेशा डिक्रीज होगा। अगर एक वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा हमेशा पॉजिटिव होगा। ये मतलब बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं, तो इसको कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन में दोनों सेम जगह बढ़ रहे थे, अगर बढ़ेंगे तो दोनों बढ़ेंगे, घटेंगे तो दोनों घटेंगे। नेगेटिव में एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा घटेगा तो एक बढ़ेगा। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। यू हैव मिस्ड मोस्ट ऑफ द क्लासेस, नो वंडर यू योर ग्रेड्स आर लोअर देन यूजुअल। अगर आप क्लासेस मिस करेंगे तो आपके ग्रेड्स कम हो जाएंगे। इसका एक दूसरा बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे देता हूँ आज के टाइम पे, जो कि काफी अच्छे से हमें देखने को भी मिल रहा है, कि जैसे ही पेट्रोल के रेट बढ़े तो लोग सीएनजी व्हीकलों पर शिफ्ट हुए और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकलों पर शिफ्ट हुए, क्योंकि पेट्रोल के रेट बढ़ने से इफेक्ट आया मार्केट शेयर पे, जो कि कार्स का था। कार्स का मार्केट शेयर जो है, जो पेट्रोल कार्स का था, वो शिफ्ट हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स पे और सीएनजी वालों पर। तो प्राइस बढ़े पेट्रोल के, और उसका जो पेट्रोल की गाड़ियों का जो ग्राफ था वो डाउनफॉल हो गया। तो एक नेगेटिव कोरिलेशन है, रेट इंक्रीज हुए पेट्रोल के, इसके रेट, ये जो पेट्रोल कार थी ये इनकी जो सेल थी वो कम हो गई। अगर पेट्रोल के रेट कम हो जाएंगे तो पेट्रोल की गाड़ियों की सेल बढ़ जाएगी। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है नेगेटिव कोरिलेशन का। जीरो कोरिलेशन, व्हेन देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स एंड द चेंजेस ऑफ वन सिचुएशन नेवर इफेक्ट द चेंजेस ऑफ अनदर सिचुएशन, दैट इज नोन एज जीरो कोरिलेशन। इसमें कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता दो वेरिएबल्स के अंदर, कोई भी किधर भी मूव कर सकती है। अगर एक बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ जाएगी, एक बढ़ रही है तो दूसरी भी घट जाएगी, नहीं घटेगी, सेम रहेगी, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता। जैसे कि इसका ये एग्जांपल काफी सही है, रिलेशनशिप बिटवीन द शेप ऑफ हेड एंड इंटेलिजेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर किसी का सिर बड़ा है तो जरूरी नहीं कि उसमें दिमाग भी ज्यादा होगा या ज्यादा इंटेलिजेंट होगा वो। तो इसका कोई भी कोरिलेशन नहीं है, एक दूसरे से रिलेशन नहीं है। अब हम देख लेते हैं इसकी यूजेस ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। कोरिलेशन जो है डिस्क्राइब करता है डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, कि उनके रिलेशनशिप किस तरह का है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, इसको डिस्क्राइब करता है कोरिलेशन। इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ अ टेस्ट। किसी भी टेस्ट की रिलायबिलिटी और उसकी वैलिडिटी डिटरमाइन करता है कोरिलेशन। इट इज प्रेडिक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये हेल्प करता है हमें पूर्व अनुमान लगाने में, कि एक की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो उसके इफेक्ट दूसरे पे क्या पड़ेगा। इट इज ऑल्सो वाइडली एक्सेप्टेड बाय द रिसर्चर। ये बहुत ज्यादा जगह यूज किया जाता है, सोशल साइंस में, कॉर्पोरेट्स में, मार्केटिंग रिसर्च करते हैं उनमें भी बहुत ज्यादा यूज होता है। तो बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए भी, ये मोस्टली बीएड में काफी ज्यादा पूछा जाता है और आपके पेपर्स में तो अधिकतर आता है। तो यहीं पे हम अपनी क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, और आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये क्लास। और भी अगर कोई रिलेटेड आप टॉपिक के बारे में वीडियो बनवाना चाहते हैं या कोई भी टॉपिक आपके समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर ट्राई करूंगा, वीडियो जल्दी से जल्दी मैं उस पर बनाऊं। सो थैंक यू गाइस।